हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम जो इससे पहले पार्ट में डिजीज़ पढ़ रहे थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने टाइप्स ऑफ डिजीज़ देख ली थी, अब हम वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिजीज़ देख लेते हैं एड्स। तो एड्स पहले देख लेते हैं ये होती किससे है। तो इसका कॉजेटिव पैथोजन क्या है? इसका जो कॉजेटिव पैथोजन है वो है HIV। HIV की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसको याद कर लीजिएगा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, और इसकी और भी जो ये जो वायरस है उसको और नामों से भी जाना जाता है, HILV और LPV। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस किस से ये होता है, तो ट्रांसफ़र कैसे होता है। पहले चीज़ तो अगर किसी पर्सन को एड्स है उसको लगाई हुई नीडल आपको भी लगा दी जाए, मतलब इन्फेक्टेड नीडल से। नेक्स्ट, अगर किसी के साथ भी आप फ्री सेक्स करते हैं विदाउट यूजिंग एनी प्रोटेक्शन, तब भी ये हो सकता है, क्योंकि ये एड्स जो है वो ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इट इज़ अ STD। ये STD है, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, STDs क्या होती हैं? ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि खांसी जुकाम की तरह नहीं होती हैं, ये सेक्स करने से ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो ये इट इज़ अ टाइप ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो ये इन्फेक्टेड मदर से भी हो सकती है बच्चे के अंदर, क्योंकि खून कहीं ना कहीं लिंक तो होता ही है मदर का और बच्चे का। बाई यूजिंग शेविंग रेजर्स, मान लीजिए एक पर्सन है उसको एड्स है, उसकी जो रेज़र है शेविंग रेजर उसको अगर आप यूज़ कर लें, आप भी अगर उसे शेविंग कर लें तो आपको हो सकता है। तो अब आप कहेंगे कि वो क्यों हो रहा है, उससे तो बॉडी का कोई कॉन्टैक्ट नहीं, लेकिन है। जब शेविंग करते हैं तो कई बार स्किन कट जाती है, ब्लड आ जाता है शेविंग रेज़र पे। ठीक है, और उस रेज़र को कौन सैनिटाइज़ करता है? कोई भी नहीं। कभी देखा है सैनिटाइज़ कर रहे हैं उस रेज़र को? तो वो रेज़र को रख देते हैं बाद में ऐसे धोकर पानी से, तो वो रेज़र को कोई और यूज़ करेगा तो उसको भी HIV/AIDS हो जाएगा। अगर आप किसी और का ऑर्गन लेते हैं, मान लीजिए किडनी डोनेट करते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं हम किसी की या फिर डोनेट करते हैं, तो जो डोनर है उसको पहले दिख लीजिए कि ये उसको कोई एड्स तो नहीं है, उसको HIV तो नहीं है। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से आपको ऑर्गन नहीं लेना है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, एक बात का ध्यान रखिए कि ये जो बीमारी है ये क्या है, STD। इस वजह से ये फिजिकल टच से, शेयरिंग ऑफ फूड से, टचिंग से, शेकिंग हैंड से, इन सब चीज़ों से ट्रांसफ़र नहीं होती है। ये ओनली गेट ट्रांसफर फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, सो नीडल सेक्स एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इन सब चीज़ों से। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या होता है, जो लिम्फ नोड्स होते हैं, देखिए आपने जगह जगह नोड्स देखे होंगे, गले के में भी नोड्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए गले के बीच में आपने कभी देखा होगा गर्दन पे, तो वो ऐसे गोल गोल सी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप छुओ तो इधर उधर भागती है, तो वो क्या है, नोड्स हैं। बॉडी में हर जगह नोड्स होते हैं जो कि आप छुएंगे तो सर्कुलर होते हैं और वो आपके हाथ में नहीं आते हैं, वो इधर उधर भागते हैं, तो वो सब क्या है, वो नोड्स हैं। तो लिम्फ नोड्स सूज जाते हैं। ठीक है, वेरी वीक इम्यूनिटी जो है बहुत ज़्यादा। अब देखिए ये जो बीमारी है, ये बीमारी होती क्या है, इस बीमारी में वो कोई भी पर्सन उस बीमारी से नहीं मरता है, उस बीमारी से कॉज होने वाली इम्यूनिटी से मरता है। मतलब क्या होता है, ये जो पर्सन होता है एड्स वाला, उसमें ये कह दिया जाता है कि आप 6 महीने में मर सकते हैं। तो कोई पर्सन 6 महीने में मर जाता है, कोई 5 महीने में, कोई 4, 3 और कोई 6 महीने से ज़्यादा ज़्यादा भी रह जाता है। इसके पीछे एक रीज़न क्या होता है, देखिए जिसको बीमारी है अब ये डिपेंड करता है कि उसके फैमिली या फिर उसके साथ रहने वाले लोग उसका ध्यान कितना रख रहे हैं। ठीक है, अगर उसको अच्छा न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, उसको खाने में अच्छे फ्रूट्स दिए जा रहे हैं, सब कुछ दिया जा रहा है, उसको अच्छी डाइट दी जा रही है, तो वो ज़्यादा टाइम तक रह सकता है। क्योंकि क्या होता है, बेसिकली इस डिजीज़ में इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि WBC पर अटैक करते हैं जाके तुरंत, और अगर इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, आपकी मान लीजिए आप जो लड़ते हैं हर टाइम, लाखों करोड़ों हमारे बॉडी पे माइक्रोब्स रहते हैं, आपके हाथ पे, आपके पैर पे, हर जगह पे करोड़ों माइक्रोब्स अभी भी हैं, चाहे आप कितने भी हाथ धो लो, चाहे आप कितने भी नहा लो, ठीक है, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर टाइम हमें इन्फेक्ट करते रहते हैं और हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट WBCs जो होते हैं उनसे फाइट करते रहते हैं। तो अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, WBCs ही खत्म हो जाएंगे, तो कोई भी आके हमें परेशान कर सकता है, मतलब कोई भी आके हमें बीमार कर सकता है। मान लीजिए अगर छोटा सा वायरस भी आ गया, कोई हमारी बॉडी के अंदर घुस गया, तो एकदम से बुखार आ जाएगा, एकदम से खांसी जुकाम, एकदम से छोटी छोटी चीज़ें बहुत जल्दी जाती हैं, और जिसकी वजह से इंसान बहुत जल्दी से मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक है, वही है ना, मरते में 2 लात और मार दो तो वो तो है ही मरा हुआ। तो वो चीज़ होती है कि बहुत जल्दी सब बीमारियां अटैक कर लेती हैं।
डिटेक्शन किस होता है ये इसका बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखना, एलाइजा टेस्ट से डिटेक्शन होता है, किससे होता है, एलाइजा टेस्ट से, एलाइजा एलाइजा याद रख लेना, इम्यूनोसोवेंट ऐसे से याद रख लेना, इसको याद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न ब्लॉड टेस्ट जो है इससे डिटेक्ट करते हैं। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो वी शुड नॉट यूज़ इन्फेक्टेड रेजर्स, हमें इन्फेक्टेड रेजर्स नहीं यूज़ करनी है किसी की रेजर्स, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट नहीं करना है किसी के साथ भी, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एकदम से नहीं करना है। ये डीएनए का वो सॉरी डीएनए कह रही हूँ एचआईवी वायरस दिखाया है जिसके अंदर ये प्रेजेंट डीएनए दिखाया है, ठीक है। तो ये हमारा एड्स डिजीज़ है। चलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ पे। नेक्स्ट डिजीज़ है मलेरिया। तो मलेरिया बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा इंडिया में फैल, देखिए टू टाइप्स की होती है ये डिजीज़, ये होती किससे, ये होती है प्लाज्मोडियम स्पीशीज से। टू टाइप्स की डिजीज़, टू टाइप्स की स्पीशीज़ होती हैं ये, प्लाज्मोडियम वॉल्वेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम, ठीक है। तो क्या होता है, जो फैल्सीपरम होती है और एक होती है वॉल्वेक्स, तो फैल्सीपरम जो होती है बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, बहुत ज़्यादा फैटल होती है, उससे मर भी सकते हैं बहुत जल्दी। अब प्लाज्मोडियम जो वॉल्वेक्स होती है वो इतनी ज़्यादा फैटल नहीं होती है, तो वो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी है, वॉल्वेक्स। हमारे इंडिया में फैल्सीपरम नहीं है इतनी, ठीक है। अगर फैल्सीपरम होगी तो इंसान बहुत जल्दी मर जाता है। अगर हम बात करें इंक्यूबेशन पीरियड, कितने टाइम में जाके पता चलता है कि आपको डिजीज़ है, सिम्टम्स कितने टाइम में देखते हैं, तो 14 दिन, इन्फेक्ट होने के 14 दिन बाद आपको सिम्टम्स दिखेंगे, ठीक है। ट्रांसमिटेशन कैसे होता है, देखिए फीमेल एनोफिलेस एक मच्छर होता है, फीमेल एनोफिलेस, ये एक होता है नर एक होता है मादा, मतलब एक होता है फीमेल और एक होता है मेल, लेकिन मेल एनोफिलेस जो होता है वो कुछ नहीं कर सकता, आपको काट भी ले तो फीमेल एनोफिलेस ही आपको इन्फेक्ट कर सकती है। देखिए इसके पीछे भी रीज़न है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये रीज़न है कि जो इन्फेक्टेड ये जो मच्छर होते हैं वो जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है क्योंकि वो फीमेल है, तो उस वो उस अपने अंदर बॉडी के अंदर अपनी सलाइवरी ग्लैंड में बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स उठा कर रखती है, ठीक है, स्पोरोजॉइट्स उठा कर रखती है, वो स्पोरोजॉइट्स वो हमारी बॉडी में हमें जब काटती है तो ट्रांसफ़र कर देती है, और वो स्पोरोजॉइट्स हमें लिवर में जाके वही जाके प्लाज्मोडियम स्पीशीज जो होती है वही जाके मल्टीप्लाई करती है लिवर में जाके और फिर ब्लड में आ जाती है, और उससे पूरे बॉडी में मलेरिया फैल जाता है। और क्योंकि इसे फैलने में टाइम लगता है 14 दिन का, इसलिए इसके सिम्टम्स भी 14 दिन के बाद दिखते हैं, 14 दिन से पहले सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। जैसे आपको वीकनेस लगेगी या मलेरिया में ठंड, जितने भी चीज़ सिम्टम्स हैं अभी हम सिम्टम्स भी देखेंगे, तो वो आपको बाद में देखेंगे। सिम्टम्स देखिए, सिर में दर्द होता है, ठीक है, वॉमिटिंग आएगी, पूरे दर्द होगा, सारी मसल्स में दर्द होगा, एनलार्जमेंट ऑफ द लिवर, जो लिवर होता है वो बड़ा हो जाता है इस टाइम पे, सूज जाता है, और आपको बॉडी में दिखेगा भी वो, मतलब उभरा हुआ सा पेट उभरा हुआ दिखेगा। आपको ठंड लग के बुखार आएगा, मतलब ठंड लगेगी, कपकपाहट होगी, ठीक है। एक देखिए जो फीवर होता है वो भी बहुत टाइप्स का होता है, कभी हम फीवर के बारे में टॉपिक उठाएंगे तो आपको बताएंगे फीवर कितने टाइप्स का होता है और क्यों क्यों होता है, कब कब किस किस कंडीशन में फीवर आता है। तो फीवर जो होता है, एक तो होता है ऐसे ही नॉर्मल फीवर आ जाना कि आप उसमें ठंड लग, मतलब ठंड नहीं लगती है, लेकिन हाँ आपको फीवर रहता है, आपका शरीर गिरता है। एक होता है बहुत तेज ठंड लग के फीवर आना, तो सब अलग अलग फैक्टर्स होते हैं उन सब के पीछे भी। नेक्स्ट होता है देखिए वॉमिटिंग और टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थकान लगेगी आपको। अब देखिए 6 से 10 घंटे तक का एक मलेरिया अटैक जो होता है, जो कि आपको फील होगा, उससे आप समझ जाओ कि मलेरिया ने आपको घेर लिया है। कैसे 6 से लेकर 10 घंटे तक कैसे होता है, पहला अटैक होता है कोल्ड स्टेज अटैक, नेक्स्ट अटैक होता है हॉट स्टेज, थर्ड होता है स्वेटिंग। सबसे पहले तो आपको इतनी ठंड लगेगी, इतनी ठंड लगेगी कि कितने भी आप रजाई ओढ़ लो आपकी ठंड नहीं जाएगी, इतनी तेज ठंड लगेगी कि क्या शिमला और क्या मसूरी उसके सामने। नेक्स्ट हॉट स्टेज, हॉट स्टेज में क्या होता है, इतनी गर्मी लगेगी, ठीक है, घबराहट होगी, फीवर बहुत तेज बढ़ जाएगा, फीवर बहुत तेज बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बहुत तेजी से होगी, ठीक है, ये सब चीज़ें हॉट स्टेज में होती है। स्वेटिंग स्टेज, उसके बाद इतना पसीना आएगा, इतना पसीना आएगा, इतना पसीना आएगा कि सब ठंड वंड नहीं लगेगी। तो 3 स्टेजेस होती हैं, कोल्ड, हॉट एंड स्वेटिंग स्टेज। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, देखिए मच्छरों से बचाइए कि वो आपको काटे नहीं। कैसे बचा सकते हैं, आप मॉस्किटो नेट लगाइए, मच्छरों की जो क्रीम आती है वो लगाइए, ठीक है, और जो देखिए मच्छरों की जो दवाइयाँ होती हैं वो छिड़किए घर पे, एंटीबायोटिक्स यूज़ करिए, स्प्रे करिए उन सब चीज़ों को, ठीक है। कुछ फिशेज़ होती हैं जैसे गैम्बीजियाज, ये सब ये क्या होती हैं, गैम्बीजियंस ये क्या करती हैं, अगर आप इनको घर पे पालते हैं तो जैसे मच्छर अपने अंडे देगा पानी के अंदर, तो वो इन अंडे को खा लेती हैं, तो ये बहुत यूज़फुल होती हैं, ठीक है। तो इसका देखिए ट्रीटमेंट देख लेते हैं,
अगर हम ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट फैल्सीपैरम का तो बहुत कम पाया जाता है, लेकिन जो वॉल्वेक्स है उसका देखिए कुछ दवाइयां हैं जैसे क्विनिन वगैरह, उनको आप अगर लेंगे तो वो डिजीज़ ठीक हो सकती है। ठीक है, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक ड्रग डेवलप करा है जिसका नाम है RT-THR। ठीक है, उसको याद रखना आप। तो आज हमने टू डिजीज डिस्कस करी, एड्स एंड मलेरिया, उसको लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।